चुनाव आए तो राजनीतिक पार्टियों को आधी आबादी याद आ गई। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस नित नई घोषणाएं कर रही है। शिवराज सरकार ने कहा लाडली बहन को 1000 रुपए देंगे, तो वहीं कमलनाथ ने कह दिया कि 1500 रुपए देंगे। अब इसे क्या कहें, खुले आम आधी आबादी को वोट के बदले रिश्वत। ये 1000-1500 की लड़ाई अभी थमी भी नहीं थी कि नई घोषणा आ गई। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने एक बड़ा दांव चल दिया। अब देखना यह होगा कि कमलनाथ के पास इस दांव की कोई पलट चाल है भी या नहीं, या फिर इस बार सच में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बाजी मार ली है। अब लग रहा है कि चुनाव आ गए हैं। चुनाव आते ही महिलाओं का शक्ति, भक्ति और समर्पण भी याद आ रहा है। सभी पार्टियां मात्र शक्ति को प्रसन्न करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ रही। शिवराज ने 1000 का चढ़ावा चढ़ाया तो कमलनाथ ने 1500 का चढ़ा दिया। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस बार कई बूथों पर महिलाओं की भागीदारी विशेष होने वाली है का ऐलान कर दिया। लाडली बहना योजना के बाद बीजेपी ने महिलाओं को एक और तोहफा दे दिया, जिसका बीडी शर्मा ने ऐलान किया। कहा जा रहा है कि इस योजना के बाद बीजेपी ने महिलाओं को तोहफा दिया है, इस बार कई बूथों पर महिलाओं की भागीदारी विशेष होने वाली है। अब ये तो वही बात हुई ना कि महिलाएं बूथ पर होंगी तो महिला वोट अपने आप ही मिलेंगे। और इस अभियान के दौरान हम सब मिलकर के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से भी एक जो हमारा हितग्राही है उससे संपर्क, उससे डायलॉग, और आगामी समय में जो हमारी सरकार ने भी अभियान चलाए हैं, चाहे लाडली बहना योजना होगी या और भी हमारी सरकार की योजनाएं, उन सारी योजनाओं के निमित्त भी नीचे तक प्रत्येक बूथ पर मोबिलाइजेशन के साथ जिनको जरूरत है उन और लोगों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस अभियान के दौरान भी प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने के अभियान में बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 ये हमारा यशस्वी बनेगा। इस दिशा में हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश एक व्यापक तैयारी में जुटी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।